Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share a cake recipe with you. So without any further ado, let's get started. Okay, so we all know कि lockdown चल रहा है and we can't go out of our house. बट अगर आपका केक खाने का मन हो या फिर बर्थडे हो आपका इस मंथ, तो आप घर पर भी केक बना सकते हैं. और केक बनाने के लिए हम लेंगे कुछ बिस्किट. तो जो भी बिस्किट आपको पसंद है आप उन्हें ले लीजिए. आई लाइक द ओरियो. और अब हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है. तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार और इस पर हम टुकड़े किए हुए सारे बिस्किट डाल देंगे. और अब हम इसे मिक्सर पर ग्राइंड कर लेंगे. तो 2 से 3 बार ग्राइंड करने पर ही यह पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा. तो इसका पाउडर बना लें. और इसी बीच अब मैं इडली मेकर को प्री हीट कर रही हूँ ऑन अ लो फ्लेम 5 से 7 मिनट के लिए. आप इसकी जगह पर कढ़ाई या कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं. कुकर का अगर आप यूज़ करें तो ध्यान रहे कि कुकर के ढक्कन की लिड और सीटी दोनों निकाल कर ही यूज़ करें. और अब चलते हैं केक के बैटर की तरफ. तो जो बिस्किट का पाउडर हमने बनाया था उस पर हम 1/2 कप मिल्क डालेंगे. और मिल्क डालकर हमें इसे ब्लेंड करना है. तो इसे मिक्सर पर अच्छे से ब्लेंड कर लें. और ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. और अब मैं इस बैटर को एक बर्तन पर निकाल लूँगी. एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड दिस. आई मीन ये प्रोसेस जार पर भी हो सकती थी. और अब मैं इस पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मीठा सोडा, थोड़ा सा मिल्क और इसे हम अच्छे से पूरे बैटर पर मिक्स कर लेंगे. आई थिंक ये मिक्सर पर ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता. तो आप मेरी तरह ये गलती मत करना. आप इस प्रोसेस को मिक्सर पर ही करें. एंड नाउ द बैटर इज़ कम्प्लीटली रेडी. तो अब हम उस बर्तन पर बैटर को पोर कर लेंगे जिस पर हमें केक बनाना है. और बर्तन को मैंने पहले से ही बटर से ग्रीस कर लिया था. बटर पेपर की कोई भी नीड नहीं है. अगर आपने बर्तन को अच्छे से ग्रीस किया है तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा. एंड नाउ इट्स टाइम टू बेकिंग. सो इडली मेकर पर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर हम केक वाले बर्तन को अच्छे से प्लेस कर देंगे. और इसका ढक्कन बनकर हम इसे 20 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे. और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे. तो ध्यान रहे 20 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे. 30 मिनट के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और ढक्कन निकाल देंगे हम इसका. और अब एक नाइफ की हेल्प से हम इसे चेक कर लेंगे. एंड नाइफ एकदम क्लीन है. इट मींस कि ये बेक हो गया है. तो हम इसे ठंडा होने देंगे. ठंडा होने के बाद हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे. और अब मैं इस पर चॉकलेट सिरप से कोट कर रही हूँ. दिस इज़ टोटली ऑप्शनल. अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं. बाय द वे इस चॉकलेट सिरप को मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट से बनाया है डबल बॉइलिंग मेथड के द्वारा. चॉकलेट को कुछ देर के लिए सेट होने दें और उसके बाद ही केक को कट करें. एंड नाउ यू कैन एंजॉय द केक. और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.